मोहतरम हजरात, आज की ये चीज़ें की ज़ियारत की मजलिस मरहूम कासिम मियां के साले सवाब के लिए मुनक़िद की गई है। मेरा और आप सबका यहाँ जमा होना यही असल मकसद रखता है, मरहूम के लिए दुआएं मग़फ़िरत की जाए। इस मजलिस का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन मरहूम को पहुँचाए और मरहूम की बाल बाल करवट करवट मग़फ़िरत फरमा कर उन्हें जन्नत अल फ़िरदौस का मौका बताओ। मोहतरम हज़रात, अभी मुझसे बेहतर हमारे यहाँ के पेशमा मौलाना साहब ने नसीहत आमेज बातें हमारे सामने रखी है, लेकिन न जाने क्या हो गया है हमको, बस अच्छी बातें सुनने का शौक़ है, बोलने वालों को अच्छी बातें कहने का शौक़ है। चारों तरफ से कौम मुस्लिम रुसवाई और ज़िल्लत का शिकार बनी हुई है। हमें चोर कहा जाता है, हमें डाकू कहा जाता है, हमें आतंकवादी कहा जाता है, हमें बसमात कहा जाता है, हमारे लिए तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि हम मुसलमान नहीं रहे। नाम है हमारा मुसलमान का, काम है हमारा मुशरिकों और काफिरों का। अगर जब तक के हम मुसलमान थे तो दुनिया में हमारी इज्जत के डंके बजते थे, अच्छे अच्छे हमारे सामने झुक जाते थे। लेकिन क्या बात है, अभी मौलाना साहब ने तालीम कुरान पर एक बेहतरीन हदीस बयान फरमाई। हमारे आका सल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतर वो है, तुम में अच्छा वो है, पैसों वाला, बंगले वाला, कार वाला, सात बेटों का बाप, कौन है तुम में अच्छा? पॉलिटिक्स में नेता बन गया हो वो, ससन सभ्य के धारा सभ्य के सरपंच बन जाए वो अच्छा है? नहीं नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान वो है कि तुम में यानि मुसलमानों में अच्छा वो है जो खुद कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। कभी ये फिक्र की है? आज डेढ़ साल से स्कूल है बंद है, सब जानते हैं, सारी दुनिया का हाल यही है, बच्चे स्कूल की तालीम से बिल्कुल बेखबर है। अब क्या हो गया है कि दुनियावी तालीम की इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है कि बच्चों को ज़बरदस्ती से माँ बाप ट्यूशन में भेज रहे हैं। हाँ हाँ, इसके बिगर नहीं चलेगा। वही माँ बाप ने फिक्र की है कि मेरा बच्चा मदरसे में जाता है कि नहीं। अरे स्कूलें बने, मदरसा कहाँ बने? बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे दिल में से दीन की मोहब्बत निकल गई, रसूल की मोहब्बत निकल गई, दावे हैं झूठे हमारे पास। मैं कहूँगा कि कौन है मुसलमान, लाओ तो सही मुसलमान को। मियाँ, अगर मुसलमान होते तो नमाज कजा होती, मुसलमान होते तो रोजे रमजान के जनाजे निकलते, मुसलमान होते तो हम जकात अदा ना करते। कहाँ है मुसलमान, कैसा है मुसलमान आज का? अरे तू मुसलमान न रहा इसलिए आज हल्का सा हल्का तीन पैसे का आदमी तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, मीडिया के अंदर तुम्हारे खिलाफ सारी बातें हो रही है, पूरी दुनिया का मुसलमान जलील और ख्वार है। क्यों ना हो, तालीम मुस्तफ़ा छोड़ दीती है, जुगाड़ हम खेलें, दारू हम पिए, शराब का धंधा हम करें, चरस का धंधा हम करें, चोरी हम करें, झूठ हम बोले, आपस में बैर हम रखें। अरे यहाँ तक के हद कर दी है आज के मुसलमान ने कि मस्जिद के अंदर भी लड़ाई शुरू कर दी है। खुदा के घर में तुम मुसलमान होता तो
तो ये हाल ना होता। एक भाई भाई से अलग है, दोस्त तो अल्लाह का करम है। 152 ग्राम में मेरे मुरीद हैं, कितने एक भी दिन गर्म नहीं रहता, कल भी एक चार घंटा में आती है और शाम को भी मेरा प्रोग्राम ना बोलते। दुनिया भर के गुजरा भर के मुसलमानों के हाल से मैं वाकिफ हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास आते हैं, बाबा बेटी की शादी है तो मुबारक हुई, अभी तेरे को किस्सा याद आए 6 बरस के बाद, बाबा मिलने भी आया हूँ, एक काम लेके आया हूँ। क्या काम लेके आया है? छोटा भाई मेरे घर शादी में आने का ना कहता है। अरे भाई सगा भाई बड़े भाई के यहाँ जाने का ना कहता है तो क्यों ना कहता है, नाराज क्यों है? अल्लाह के रसूल तो ये फरमाते हैं कि मोमिन झगड़ा हो जाता है 3 दिन से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा अबोला रहता है तो ईमान से खारिज हो जाता है। आज हम भाई भाई के यहाँ नहीं जाते, भाई बहन के यहाँ नहीं जाते, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ नहीं जाते, अरे गांव वाले भी ये हाल है कि हमारे तो उनके साथ बोल चाल नहीं है। मस्जिद का काम हो, मदरसा काम हो, चंदा करना जाने का हो, मैं इसके घर नहीं जाऊँगा। ये हाल है तुम्हारे यहाँ का, एक का नहीं कहना, मैं पूरे गुजरात में घूमता हूँ। ये मुसीबत घर घर की है और गाँव की है। हमारे पे तकलीफ है और मुसीबत है कि पहाड़ ना टूटे तो और क्या टूटे। मुसलमानों अच्छी बातें सुनो जरूर, जरा अपने दिल को ढंढोलो कि मैं भी मुसलमान हूँ कि नहीं, क्यों मेरी नमाजें छूटती है, क्यों मैं मस्जिद से दूर हुआ हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, अनानियत को, अपने तकब्बुर को, अपने घमंड को, अपने अभिमान को निकाल दो। ये इसी अभिमान ने आबिदो साहिब को, मुत्तकी परहेजगार को, सबसे बड़े आलिम को, सबसे बड़ा आलिम कौन था बताओ, सबसे बड़ा आलिम कौन था? शैतान। अरे मियां हम तो तुमको पढ़ाते, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम तो इंसान को पढ़ाते हैं। हाँ अल्लाह के वली जिन्नातों को पढ़ाते थे, लेकिन ये शैतान एक रोज फरिश्तों का उस्ताद था और इसकी इबादत कितनी थी। अरे हमने तो 5-25 बरस इबादत की होगी, 50 बरस हमने नमाज पढ़ी होगी, 80 बरस नमाज पढ़ी होगी। अरे जिसने 6 करोड़ बरस नमाज पढ़ी, 6 करोड़ बरस तय करे और फरिश्तों को उसने इल्म सिखाया, उसके अंदर घमंड आ गया। कैसा घमंड आया? कुरान कह रहा है, मियां कुरान पढ़ोगे ने तो अभिमान निकल जाएगा, तुम झुक जाओगे। और जो झुक जाता है खुदा उस पर मेहरबान हो जाता है, अल्लाह उस पर मेहरबान हो जाता है, पसंद करवा लेता है। उसको अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ। वाकियात की तरफ में नहीं ले जाना चाहता, एक इशारा करता हूँ कि आज का मुसलमान मुसलमान कब रहा है। हमारे अंदर तकब्बुर है, इतना पैसा नहीं है फिर भी तकब्बुर, कोई होता नहीं है फिर भी तकब्बुर। अरे तेरे पास 5-10 बीघा जमीन होगी तो कितना बड़ा जमींदार है तो तकब्बुर करता है, तेरे पास 1-2 गाड़ी होगी तो कितना तकब्बुर करता है, तू कितना जिएगा 50 साल 100 साल कितना जिएगा, अभी तो 100 साल वाले कोई है ही नहीं, 11-70 में आउट हो जाते हैं मेरे बुजुर्ग, और मौत का कुछ पता नहीं, कोई खबर ही नहीं कब आ जाती है, कब आ जाती है कोई खबर ही नहीं पड़ती। अरे कैसे इंसान चले जाते हैं, तकब्बुर मत कर, हर वक्त मौत को याद रख, मौत मांगो मत, मौत का मांगना गुनाह है, याद रखना जरूरी है, मांगो मत। और जो लोग आज हम देखते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, थोड़ी सी मुसीबत आती है, आ जाती है, सुसाइड करते हैं, आपघात करते हैं, ये कुफ्र है, आपघात करने वाला काफिर हो जाता है। इसकी मौत मोमिन की मौत नहीं है, मुसलमान भले उसको कफन पहनावे, उसको जनाजे में लिटावे, मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन करे, फिर भी वो जहन्नमी है, क्योंकि उसने अल्लाह की दी हुई नेमत को ठुकराई।
खुदा की दी हुई नेमत को टुकराने वाला मुसलमान नहीं रहता। जिंदगी अल्लाह की दी हुई नेमत है, दी हुई नेमत है। इसका एक एक लम्हा कितना कीमती है वो अल्लाह वालों से पूछो, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपनी खानका में तशरीफ़ फरमा है। एक शख्स आता है, भाई मेरे पीर आपको पूछा क्या हुआ बेटा? के सरकार एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? अपना जहाज जो था माल भर के आता था वो डूब गया। वो जमाने में लाखों रुपए का माल डायरेक्ट पानी में खत्म हो गया, ऐसी खबर आई है। तो आपने जिनको खबर डाली फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वो सब चला गया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा शख्स आया वो कहता है सरकार खुशखबर है। क्या खुशखबर लेके आया है? मेरे घर बेटा पैदा हुआ। नहीं सरकार, वो जो जहाज डूबने की खबर आई थी वो गलत है, हमारा जहाज सलामत है। आपका जहाज सलामत है, दूसरे का डूबा। तो फिर आपने अपने कंपन में नजर डाली, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मैं फिर बैठी थी, बहुत सारे बड़े बड़े बुजुर्ग और आपके मुरीद और खादिम बैठे हुए थे। इन्होंने जब ये देखा तो ताज्जुब तो पड़ गए कि जब बुरी खबर आई, नुकसान की खबर आई, तो सुंदर तरीका ये है कि उस वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो। किसी के मरने की खबर आए, किसी के बहुत बड़े नुकसान की खबर आए, बड़े हादसे की खबर आए, तो आप उस वक्त क्या पढ़ो? इन्ना लिल्लाह पढ़ने का हुक्म है। हजरत ने दूसरों अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और बाद में खुशखबरी आई, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। ये तो बराबर है, हमारी समझ में आया। लेकिन बुरी खबर पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, ये हमारी समझ में सरकार नहीं आया। बताइए क्या हाल था? तो हजरत फरमाते हैं, मेरे आका गौसे आलम फरमाते हैं कि देखो जब उसने बुरी खबर दी, नुकसान की खबर दी, तो मैंने मेरे कल्ब को ढटोला, मेरे दिल को ढटोला कि इसके ऊपर बुरे समाचार की, बुरी खबर की असर से मेरा दिल याद इलाही से गाफिल तो नहीं हुआ। मैंने नज़र की तो मेरा दिल उस अभी भी अल्लाह की याद में मसरूफ है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नुकसान की भी हमारे दिल पर असर नहीं है, हमारा दिल उसी हाल में अल्लाह की याद में मसरूफ है। और जब खुशखबर आई तब भी मैंने मेरे दिल को टटोला कि खुशी के मारे दिल याद इलाही से गाफिल तो नहीं हुआ। तो उस वक्त भी मेरे दिल को मैंने चेक किया तो मेरा दिल अल्लाह की याद में लगा हुआ था। तभी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह किया। ये तो हमारे अल्लाह वालों की बात है कि जिनका एक एक लम्हा याद इलाही से गुजरता था। हम तो पंज वक्ता नमाज में भी भागते हैं और थोड़ा सा कुछ तकलीफ का मामला आ जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। आज ये हवा चल रही है मुसलमानों, ये बहुत बुरी बात है हमारे लिए कि चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए सुसाइड मत करो, अब आपघात मत करो। ये अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, ये जिंदगी है, ये सांस चल रहा है। तो जबान जिक्रुल्लाह करेगी, कान फिक्रुल्लाह सुनेंगे, पेशानी सजदे में जाएगी, हाथ पैर से रुकू होगा, सजदा होगा तो खुदा की बंदगी करेगा, तंदुरुस्त होगा तो रोज़ा रखेगा, आंखें सलामत होगी तो कुरान पढ़ेगा। ये नेमत कोई जैसी वैसी चीज़ नहीं है, ये
सिर्फ खा पी के तगड़े बन के बच्चे पैदा कर देने के लिए पैदा नहीं किए हमको अल्लाह ताला ने, तो कह फरमा दिया वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों को इंसान को मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान अपने अंदर झांक, अपने अंदर देख कि तू खुदा का कभी बना है, सजदा कभी किया है, उसका शुक्र अदा किया। बहुत बड़ी बड़ी अल्लाह गुजरी है, दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबुल्लाह, कौन जिसको अल्लाह ताला ने आदि कलंदरी अता फरमाई है, हजरत बीबी राबिया बसरिया उनकी बारगाह में एक शख्स आता है, तो सर पे रुमाल खींच के बांधा है, पट्टी बांध के आता है। हर वक्त आता था तो पट्टी बांधे बगैर आता था, आज सर पे पट्टी बांध के आया है। हजरत बीबी राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने पूछा, मियाँ ये सर पे क्यों पट्टी बांधी है, ये सर पे पट्टी क्यों बांधी है? आने वाला शख्स कहता है, सर को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने खेल के लिए पट्टी बांधी। तो आप मुस्कुराए, ओ सर में दर्द हुआ तो जाहिरात कर दी थी तुमने, बता दिया दुनिया को कि आज मेरे सर में दर्द है, आज तक ना दुखा उसकी पट्टी क्यों ना बांधी? आज तक तुझे तंदुरुस्त रखा अल्लाह ताला ने, उसकी तो पट्टी कोई दिन ना बांधी, एक दिन सर में दर्द हुआ तो पट्टी बांध के आया है। ये शिकायत अल्लाह की राह में कर, उसकी नेमत तंदुरुस्ती का शुक्रिया अदा ना किया, बीमारी की शिकायत कर दी, बीमारी की जाहिरात कर दी। हमको तकलीफ पड़ती है तो शिकायतें करते हैं, ये बड़ा मुसीबत है, छोकरा कीड़ा नहीं करता, बहू रिजा के चली गई है, रोजी में से बरकत चली गई है, फलाना यूं है, रोज दवा खाने जाना पड़ता है, सारे घर में बीमार पड़े हैं, ये है वो है। अरे जब हाल अच्छा था तब तूने कब बाबा को किया कि बाबा बहुत मजे में हो गए, अल्लाह का करम है मुझ पर। जब हमारी ये हालत है यानी हम रब अपने रब को भूल चुके हैं, अपने रब से हमारा रिश्ता नहीं रहा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करो, सबसे बड़ी नेमत तो तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती है, बहुत बड़ा खलीफा हो गया हारून अल रशीद। हारून अल रशीद का नाम आपने भी सुना होगा, एक दिन जंगल में शिकार करने जाता है, शिकार करते करते अपने साथियों से अलग हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, शिकार न मिला और उसको भूख भी बहुत लगी। पास में जो पानी था मशक में, वो पानी खत्म हो गया, फिर वो प्यास लगी, प्यास बढ़ती गई इतनी बढ़ती गई कि बगदाद का खलीफा है ये, जैसे वैसे मुल्क का बादशाह नहीं है, एक कतरा पानी के लिए तरस रहा है, एक टीपा पानी के लिए बेचैन और बेकरार है वो। ये पानी की शिकार को छोड़ देता है, शिकार नहीं करना, कहीं से पानी मिल जाए, कोई चश्मा मिल जाए, कोई नदी मिल जाए, किसी का घर नजर आ जाए तो मैं एक गिलास पानी मांग लो। ढूंढते 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 एक दूर एक झोपड़ी नजर आती है, झोपड़ी के पास चला जाता है, वहाँ जाता है तो एक अल्लाह वाले फकीर उसमें अल्लाह की याद में बैठे हुए हैं, सुनने पर जाके सलाम करता है, तो अल्लाह वाले जवाब देते हैं, सीधा सवाल करता है, हजरत आपके पास पानी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ है। आप अल्लाह वाले उठे, जाकर उसे एक गिलास पानी दिया, फिर दूसरा मांगा, तीसरा दिया, क्योंकि पूरे दिन से प्यासा था और घोड़ा दौड़ा दौड़ा के थक चुका था, पानी पी लिया इसने, उसको इत्मीनान हो गया। अपनिया हाल बताया, मैं हारून रशीद हूँ, तुम इस वक्त के बादशाह हो, क्यों अकेले इस तरफ जंगल में आए हो?
सरकार में शिकार को निकला था, साथी मुझसे अलग हो गए हैं, बियाबान जंगल है, मैं रास्ता भूल गया, मुझे बहुत प्यास लगी थी इसलिए पानी की तलाश में आया हूँ। वो अल्लाह वालों ने इसका इम्तिहान लेना चाहा। अरे जिसकी हुकूमत में दजला बहती है, जिसकी हुकूमत के अंदर फुरात बहती है, ऐसा बादशाह एक पानी के लिए एक झुपड़ी वाले के पास एक गिलास पानी की भीख मांग रहा है। देख पानी कितनी बड़ी नेमत है, देख पानी कितनी बड़ी नेमत है। तेरा महल काम आया, तेरी हुकूमत काम आई, तेरी दौलत काम आई, तेरे गुलाम काम आए, तेरा लश्कर काम आया, तेरे हथियार काम आए। अल्लाह की नेमत देख, ये पानी कितनी बड़ी नेमत है। इतना सारा बरसा बरसता है, कभी वहाँ से बिल नहीं आता। तुम्हारे म्युनिसिपालिटी का पानी का बिल लाइन लो, हर साल पानी मेरे आटो को लाभ मिला है। ये ऊपर वाला तो कभी बिल भेजता ही नहीं है, उसने कभी चार्ज भेजा नहीं है। इतनी बड़ी नेमत है, इंसान को ना मिले तो मर जाए, तड़प तड़प के प्यास से मर जाए। अल्लाह वालों ने पूछा कि देख भाई, ये पानी तुझे मिला, एक गिलास पानी की कीमत तू क्या समझता है? ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत कीमती है। आज मेरी समझ में आया, मेरी जिंदगी में कभी मुझे प्यास नहीं लगी थी, आज मैंने समझा कि प्यास क्या चीज होती है। जब प्यास लगे तो प्यासों की कदर होवे, भूख लगे तो गरीबों की कदर होवे। पेट भरे देखो गरीब क्या है क्या खबर पड़े। अच्छे अच्छे ड्रिंक्स पीता हो, शरबत पीता हो, उसको प्यासे की प्यास की क्या खबर होवे। रोज तरह तरह के लिबास बदलता हो, गरीब चिंगले वाला पहनता हो, उसके लिबास की इस पर क्या कदर हो गए। तो पूछा कि तू तो एक गिलास का मुझे क्या बदला देगा? तो वो कहता है मेरी आधी हुकूमत दे दो सरकार, आपने मेरी जान बचाई। आज पानी ना मिला होता, अभी पानी ना मिला होता तो मैं तड़प तड़प के इस जंगल में मर जाता, न जाने मेरी लाश का क्या होता। आपने मुझ पर इतना एहसान किया है, मुझे आपने ज़िंदगी दी है। आपने कहा मैं ज़िंदगी देने वाला नहीं हूँ, ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है। उसके पानी की तूने ये कदर की कि एक गिलास पानी के एवज में तू बगदाद की आधी हुकूमत देने के लिए तैयार हो गया। तो बता अल्लाह की नेमत कितनी बड़ी चीज़ है। फिर आपने पूछा, चल एक मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब देता जा, दूसरे सवाल का जवाब देता जा। वो क्या है कि ये पानी तूने पी लिया, अब तुझे पेशाब बंद हो जाए, पेशाब बंद हो जाए, कहीं इलाज करने के बाद जब भी पेशाब न लगे होवे नहीं, तो तू क्या करेगा? मैं दुनिया भर के हकीम वैद्य को जमा करूंगा, इलाज करवाऊंगा, बावजूद भी ना हुआ तेरी जान। जैसे आदमी को प्यास लगती है और तड़पता है, ऐसे अगर किसी का पेशाब बंद हो गया, उनसे पूछना कि क्या हाल होता है। ये अंदर जाने के बाद जो बाहर ना निकले ना, तो भी खतरनाक है। तो वो कहता है कि अगर कोई ऐसे हाल में मुझे पेशाब करा दे तो पूरी हुकूमत दे दो, पूरी हुकूमत दे दो। देखो तंदुरुस्ती की कदरों कीमत क्या होती है, अल्लाह की दी हुई नेमतों की। तो अल्लाह ताला जिस हाल में रखे, उस हाल में उसका शुक्रिया अदा करो, और हमेशा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हारे अंदर वो जज्बा पैदा करो। कौन सा? कि हमारा घर भी नलिए वाला है, तो किसी ढाबे वाले को देख के ने शिकायत मत करो, शुक्र का जज्बा पैदा नहीं होगा। लेकिन उसको देखो कि जो पुलिये के छपरे बना के घर में रहता है, अल्लाह उससे तो मुझे अच्छा है कि तूने मुझे तो नलिए वाला तो घर दिया है। तुम्हारा एक माले का बंगला हो तो किसी के तीन माले वाले का देख के ने ना शुक्रे ना हो जाओ। अरे एक माले वाले को देख, तेरे तो दो माले हैं, तीन माले वाले करते वो एक माले वाले कर तो अच्छा है।
एक आखिरी बात बात कह रहा हूँ आपको, जो तुमने बात पढ़ी है हजरत शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग और फारसी जबान के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। गुलिस्तान और बोस्तान आपकी बहुत बड़ी किताबें हैं जिसके अंदर सारी हिकमत की बातें भरी हुई है। उलमाए किराम जानते हैं उस तफसीर का नाम क्या है, हजरत शेख मसरुद्दीन सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह। वो घर के बहुत गरीब थे, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े शायर, लेकिन घर में गरीबी ने डेरा डाला था। एक टाइम होता था तो दूसरे टाइम रोटी नहीं मिलती थी, गुर्बत का ये आलम था। और बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े वली करीब इन्हें गुजरे थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल फख्र व फख्री, मुझे मेरी फकीरी पर फख्र है। जो खजूरी की झोपड़ी में रहने वाला माली के जन्नत है। मेरे गुरु दोस्तों, तो आपके पैर में जूतियाँ नहीं थी, जूतियाँ लाने के पैसे नहीं थे, खुले पैर चलते थे। एक दिन जुमा का दिन आया, आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, बाहर सब लोगों के जूते देखे, मस्जिद के बाहर जूते उतारे जाते, अच्छे अच्छे जूते देखे, तो आपको इतना एहसास हुआ, या अल्लाह तूने कैसे कैसे लोगों को कितने अच्छे अच्छे जूते दिए और मुझ गरीब को तूने खुले पांव रखा है। मैं इतना गरीब हूँ कि एक अच्छी जूती नहीं पहन सकता, ऐसी ऐसी सोच हुई इनकी। पर अल्लाह से शिकायत की उन्होंने कि मेरे को बगैर जूते के दुनिया का सबसे बड़ा शायर, सबसे बड़ा वली कहो सिराज का। आप सिराजी हैं, शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह, और बहुत बड़े जीएल आलिम हैं। गुलिस्तान और बोस्तान अब जो गुजराती में भी मिलती है, उसको ला के पढ़ना तो पता चलेगा कि शेख सादी कौन थे। वो नमाज पढ़ने गए, नमाज से फारिग हो गए, बाहर निकले, सब अपनी अपनी जूतियाँ पहन के अपने अपने घर जा रहे थे। बाहर मांगने वाले की सब खड़ी थी, फकीर मांग रहे थे, भिखारी लोग जुम्मा के बाद लोग बार मांगते थे सवाल। एक फकीर को देखा कि वो थोड़ी पकड़ के खड़ा था, उसका एक पैर कटा हुआ था, एक पैर था एक पैर नहीं था। शेख साथी ने उसके सामने देखा और आँख में से आंसू गुजरने लगे, रोने लगे और मौला के सामने तौबा की, मौला मेरी शिकायत को तू माफ कर, तूने मुझे जिस हालत में रखा है उस हालत से मैं राजी हूँ, मैं खुश हूँ, इसलिए कि मुझे तो तूने जूते नहीं दिए, बेचारे इसके के पास गवाह ही नहीं है, ये तो पैर बगैर का है, मेरे तो पैर तो सलामत है, ये तेरा करम है, मैं कोई शिकायत नहीं करता, मौला जिस हाल में तू रखता है मैं इस हाल में राजी हूँ। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह की रजा पर राजी रहो, तकलीफें आ जाए, मुसीबतें आ जाए तो सब्र करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद मांगो। आज ना हमें सब्र करना है, ना हमें नमाज पढ़नी है, ना सब्र करते हैं ना नमाज पढ़ते हैं, कहाँ से अल्लाह की मदद मिलेगी। और जाहिलों ने यहाँ तक की हद कर दी है, मैं बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा, मेरी जिम्मेदारी है कि कहाँ है हमारा ईमान। हम किसी वली के पास चले जाएं, किसी आलिम के पास बरकत का तावीज़ लेने जाएं तो अच्छी बात है, किसी पीर के पास जाएं, किसी बुजुर्ग के मदार पे जाएं दुआ करने के लिए तो वो तो अच्छी बात है, इनके वसीले से अल्लाह ताला काम कर दे। पर मैं देख रहा हूँ कि 1400 साल के बाद का भी मुसलमान माताओं के पास जाता है, बुआओं को बुलाता है, अरे मर जा, पानी ढक्कन में पानी लेके डूब मर, तू कहाँ मुसलमान है, तूने शिर्क किया, तूने कुफ्र किया, तौबा कर, फिर से कलमा पढ़, तू इस्लाम से निकल गया। वो तो थोड़ी सी तकलीफ पड़ी ये बाबा के पास में, वो बाबा का, फिर आज के मुसलमान, मेरे पास तो सबूत है, गप्पे नहीं मारते, ये दादा मियां बापू है, इनकी जबान से कभी झूठ नहीं निकलेगा, मैंने देखा है
और जानता हूँ इसलिए कहता हूँ कि फिर तुम दावा करो पंचायत में मुसलमान हो, स्कूल के अंदर मुसलमान हो, कॉलेज में मुसलमान हो, कंपनी में नौकरी करता हूँ वहाँ मुसलमान हो। अरे जरा खुदा को पूछ कि तेरे रजिस्टर में वो मुसलमान हो, तेरे रजिस्टर में मुसलमान हो तो खुदा के रजिस्टर में मुसलमान बनना हो तो क्या करना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तू जिसका कलमा पढ़ता है वो कलमे को समझ। कलमा ये कहता है कि खुदा के सिवाय कोई माबूद नहीं है, खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है। पूजा के लायक, इबादत के लायक, सज्दे के लायक, रोजे के लायक, हज के लायक, जकात के लायक, सारे खैर खैरात के लायक ज़ात अल्लाह की है और वो एक है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। थे नहीं हैं, आज भी हैं, जिंदा हैं, मौजूद हैं, हयात हैं, हाजिर नाजिर हैं। और दोस्तों वक्त बहुत हो गया है, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी उनको सुनवाने एक बार चला गया, गाड़ी दूसरे पार्टी में चली गई है, दुरूद पाक पढ़िए सलातम व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। आज कोई बहाने मत निकालो, कुरान का तर्जुमा गुजराती में मिलता है, हदीसें गुजराती में मिलती है, आकाशों से जम की सीरत गुजराती में मिलती है, वैसे बाग का बयान गुजराती में मिलता है, बाला गरीब नवाज का बयान गुजराती में मिलता है। लिखे फिर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद अगली सदियों में पूरी नहीं की होगी, बड़ी सी बड़ी किताबों का ट्रांसलेशन हो रहा है, हमारी कमेटियाँ उसको सहायक कर रही है, चाहे गोंडल की हो, राजकोट की हो, रुमाल की हो, कड़ी की हो, दयादरा की हो, कहीं की भी हो, मुफ्त बांट रही है। लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमान भाई को किताब खोलने की फुर्सत नहीं है। माना में निकलते हैं, तैबा निकलता है, फला इस्लाम निकलता है, बिस्मिल्लाह निकलता है, सुन्नियों के कितने माहनामे निकलते हैं, मंगाते हैं, पढ़ने की फुर्सत नहीं। अंदर क्या है कौन देखे? हमको दिलचस्पी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, दीन से मोहब्बत नहीं है। मुसलमान बन गए ये नहीं चलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुसलमान की जान और मान हम खरीद देते हैं। इन्नल्लाह अस्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसुहुम व अमवालुहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? खरीद ली अल्लाह ताला ने, क्या खरीदा? अल्लाह सौदा कर रहा है, तुम भी सौदा करते होंगे, कुछ चीज खरीदते होंगे, तो क्या खरीदा अल्लाह ने? बेशक अल्लाह ने खरीद ली मोमिनों की जानों को और मोमिनों को माल को, रुपये के बदले में, डॉलर के बदले में, रियाल के बदले में, सोने के बदले में, चांदी के बदले में, जमीन और जावेरात के बदले में, नहीं नहीं, कुरान को खोलो। अल्लाह ताला कहता है मोमिन की जान को मैंने खरीद ली है, मोमिन के माल को मैंने खरीद लिया है, बेअन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले में। तो हमारी जान हमारी नहीं है, अगर मोमिन है तो जान अल्लाह की है। हमारा माल हमारा नहीं है, अगर मोमिन है तो माल अल्लाह का है, उसने खरीद लिया है। और तू मोमिन है तो दावे से कह दे कि जन्नत मेरी है, जन्नत मोमिनों की है, अल्लाह ने जन्नत बेच मारी है, मोमिनों को दे दी है। तुम्हारा माल लाओ, तुम्हारी जान लाओ, तो जब जान मांगे तो जान दे दो और माल मांगे तो माल दे दो। मोमिन इसी को कहते हैं। बुजुर्ग और दोस्तों अब जन्नत ले लो, अब जन्नत के ख्वाब देखते हैं। बुजुर्ग और दोस्तों मस्जिद में देने का आता है तो पीछे, दरगाह में मदरसे में देने का आता है तो पीछे, क्या कहता है? मेरी मर्जी मेरा है। अरे टहले के कल मर जाएगा, कब्र में ले जाएगा तू? कितने चले गए, कितनी ज्यादा तकड़ डाली, कितने जनाजे उठाए, कितनों पर हमने हजारों पर मट्टी डाल दी थी। यही हाल मेरा आपका सबका होने वाला है। मेरा मेरा मेरा, अरे मेरा नहीं, मेरे रब सब तेरा है, सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं, मैं भी तेरा हूँ। रब के बन जाओ, उसका फजल करम हो जाएगा। इन्नल्लाह अस्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसुहुम व अमवालुहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना।
तो तकब्बुर को निकालो, आपस में एक बन जाओ, अल्लाह के घर को नमाजियों से भरपूर कर दो। मस्जिद है, एसी लगाने से आबाद नहीं होती, पंखे लगाने से आबाद नहीं होती, मखमल के गाली के बिछाने से आबाद नहीं होती। आज लोग फख्र करते हैं, हमारे गांव की मस्जिद देखी, हमारे महल की मस्जिद देखी, वो गांव की मस्जिद देखी। अरे भाई सब देखा है, तेरे गांव की मस्जिद में नमाजी कितने हैं? कि पांच जने आते हैं, मर जाओ। 50 लाख की मस्जिद बनाई है, नमाजी 5 है, क्या काम का क्या मतलब है? तो बुजुर्गों और दोस्तों, वो वक्त को याद करो कि पथरीली जमीन पर गरम गरम रेत पर सहाबा सज्जे करते थे, और पक्की छत नहीं थी, खजूरों की के पत्तों के नीचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम नमाज अदा करते थे। वो मस्जिद है मस्जिद नबी शरीफ, वो मस्जिद है मस्जिद कुबा। मेरे दोस्तों, उस जमाने की मस्जिदों के फोटो देखोगे तो आपको ख्याल आएगा कि ये सहाबाए किराम जो फटे पुराने कपड़े, रुकी सुखी रोटी, एक टाइम की मिली दूसरे टाइम की मिली के ना मिली, लेकिन उनकी नमाज कभी गई नहीं है। वैसे आदम ने नमाज छोड़ी, गरीब नवाज ने नमाज छोड़ी है, बेमुस्ता बुखारी ने नमाज छोड़ी। आज छुट्टियाँ करते हैं, ग्यारहवीं करते हैं, चल चल के बढ़िया जाते हैं, नमाज तो बिल्कुल पढ़ते नहीं है। कहाँ से उनका करम होगा? बुजुर्गों की नजरें करम कब होगी? नमाज का मजबूत दामन पकड़ो और एक हो जाओ, अपने दिलों को मोम बना दे, उसको मोमिन कहते हैं। दिल को नरम कर दो, भाई को सीने से गला लगा लो, भाई कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना वाला एक दूसरे का भाई है। हुजूर ने ये फरमाया, मुसलमान आपस में भाई हैं। आज हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, हमारी दुआएं कैसे कबूल होगी? मौला ताला से दुआ है, रब्बे करीम उसके प्यारे हदीस वसल्लम की नाले ने पाक के सदके में हम सबको सच्ची और अच्छी बात समझने की तौफीक अता फरमाए, पांच वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, खुद भी कुरान पढ़े और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दें। सिर्फ पोपट की तरह नहीं, अब तर्जुमे के साथ पढ़ोगे तो दीन क्या है, इस्लाम क्या है, तफसीर पढ़ोगे तो इस्लाम समझ में आएगा। उसके लिए मैं आपसे इतनी इंतजा करता हूँ कि 23 घंटे, 24 घंटे का दिन है, 23 घंटे दुनियादारी करो, 1 घंटा दीनी तालीम में निकालो, दीनी किताबें पढ़ने में निकालो, और कहीं कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो नाजी से राबता करो। इंशाअल्लाह आपको मैं हो सकेगा इतनी आपकी मदद करूँगा इंशाअल्लाह। 1 घंटा तो दीनी किताबें पढ़नी है, 23 घंटे दुनियादारी करो, खेती करो, व्यापार करो, बच्चों बीवी बच्चों के पीछे निकालो, रात को थोड़ा आराम भी करो, लेकिन 1 घंटा निकालो, ताकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। मौला ताला हमारी आज की मजलिस को ज़रूर फरमाए, कुरान पढ़ा गया, फिक्र में पढ़ा गया, दुरूद पढ़ा गया और नजरों नियाज पढ़ी गई, मौला इसका जो भी अजर सवाब है मरहूम का समिया की रूह को पहुँचा दे, मरहूम की बाल बाल दरोगर मफ़िरत फरमा दे, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और मालिक औला हमारे कब्रिस्तान में जितने भी मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात आराम फरमा रहे और तमाम की मफ़िरत